तो देखिए आज का ये जो ट्यूटोरियल है ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि टेक्निकली खाली घर बनाने से नहीं होगा, हमको एज इट इज पूरा का पूरा मोहल्ला ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा बातें करके आप लोगों को बोर ना करते हुए सीधे घुसते हैं ब्लेंडर पे और देखते हैं आखिरकार हमने ये बनाया तो बनाया क्या इससे। चलिए घुसते हैं ब्लेंडर पे। भोसड़ी के ब्लेंडर नहीं बाथरूम में, मुंह भी नहीं देगा क्या? तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को लेना पड़ेगा एक रेफरेंस फोटो, ठीक है, क्योंकि बगैर कोई रेफरेंस फोटो के आप कोई चीज रिक्रिएट कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए एक सॉलिड सा रेफरेंस फोटो लेंगे, बचपन के उन यादों से एक तस्वीर अपने ब्लेंडर के सीन पे, और देखेंगे एक डिफॉल्ट क्यूब से हम आखिरकार ये मॉडलिंग कैसे करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड पे कि आखिरकार हमने बेसिक से ये स्ट्रक्चर को बनाया तो बनाया कैसे। तो बिल्डिंग के एक स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत बनाने के बाद हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसी स्ट्रक्चर्स को कॉपी पेस्ट करके पूरा का पूरा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का जो बेसिक एम्फेसिस है इसको हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए डुप्लीकेट करते हैं, एक बाई एक लेयर लेते हैं और बिठाते चले जाते हैं। देखिए खैर मैं तो कोई प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हूँ नहीं कि आपको यू नो प्रॉपर स्टेप्स बता पाऊँ एक बिल्डिंग बनाने के लिए, इंटीरियर वगैरह बनाने के लिए, लेकिन क्या है कि अपन फोटो रियलिस्टिक रेंडर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, जो स्टेप्स फॉलो करके मैं बना रहा हूँ बेसिकली आप भी सेम फॉलो कर लीजिए और फोटो रियलिस्टिक रेंडर निकल ही जाएगा। हला रिसेप्शन सुनो ना, ए तीन प्लेट बिरयानी, हाँ और वो चिकन का वो है ना फैमिली वाला पीस डालना, ठीक है, चार नींबू वाला, ठीक है, दो डोसा, दो समोसा, तीन इडली, ठीक है, और दो कप चाय, ठीक है, नहीं दो कप नहीं, एक कम करो, चार चार कप, चार कप चाय कर दो, ठीक है। पैसे पार्टी से लेना है और कुछ कुछ खाएगा। और सुनो, 200 प्लेट समोसा, 1000 प्लेट बिरयानी और क्या बोलता उसको, चटनी भी लेना, दो तीन चटनी भी चाहिए, दो तीन चटनी भी चाहिए, तीखा वाला चटनी एक टंकी भेज देना। तो देखिए ठीक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के बाद अगला जो स्टेप आता है वो है खिड़की दरवाजे वगैरह वगैरह ये सब चीज बनाने के लिए, और उसके लिए ब्लेंडर में आता है एक बहुत ही खूबसूरत एड ऑन जो कि फ्री है, ब्लेंडर के साथ इनबिल्ट आता है, इसका नाम है आर्किमेश एड ऑन। तो इस एड ऑन को पहले एनेबल करते हैं और उसके बाद आर्किमेश एड ऑन में से आप लोगों को बहुत सारे विंडो यू नो ग्लास विंडो फिर स्लाइडिंग विंडोज वगैरह ये सब पीसेस मिल जाएंगे ऑलरेडी, उसको जगह जगह पे जगह आपको प्लेस करना है, स्केल अप कर रहे हैं और बेसिकली अपने मन चाहे जो फोटोज के रेफरेंस के साथ मिला जुला के एकदम बिल्कुल मिलता जुलता कुछ सिमिलर रिजल्ट लाने के लिए आपको जगह जगह पे प्लेस करना है। और उसके बाद खिड़की के पास आप लोग ये देखिए कुछ वुडन पैनल्स है जो कि यू नो कांच को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद से होता है, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना लेते हैं और बेसिकली एक मिलता जुलता स्ट्रक्चर जगह लोगों का बन जाएगा। फिर से वही प्रोसेस आजू बाजू में कॉपी पेस्ट और एक और चीज है जो कि बिल्डिंग आप लोग इधर पे देख सकते हो कि ओपेक है तो इसको बीच से काटना जरूरी है, तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे एक बूलियन मॉडिफायर ताकि यू नो जो ग्लास है उसके थ्रू आर पार घर का अंदर बाहर दिखाई दे, इसलिए हम लोग इसको बूलियन मॉडिफायर से कट करते हैं। उसके बाद टेक्सचरिंग में हम लोग इसमें लगाएंगे ग्लास शेडर और बाद में दिखने में हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा लगेगा, क्यों है ना कूल आर्किमेश एड ऑन, हाँ याद में रखना, इसका बिल भी मालिक भरेगा ना। गरम मेरे मजा। तो देखिए अब जब लगभग मॉडलिंग हम लोगों का थोड़ा बहुत कंप्लीट है अपने इस घर का, ठीक है ना, तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेक्सचरिंग प्रोसेस समझा देता हूँ। अभी देखिए टेक्सचरिंग में क्या है, इधर पे थोड़ा सा दिक्कत वाला टेक्सचरिंग है क्योंकि एक तो हम लोगों को सब डिविजन पार्ट्स में अलग अलग करके जैसे कि छत हो गया, रूफ वगैरह, प्लैंक्स, वुडन फ्लोरिंग, ये सब हमको अलग अलग करके टेक्सचर करना ही पड़ेगा एक ही ऑब्जेक्ट में, तो इसलिए हम लोग वर्टेक्स पेंट का यूज कर रहे हैं। इधर पे विंडोज है, ग्लास पैनल्स वगैरह है, ये ऑलरेडी टेक्सचर्ड आते हैं। आर्किमेश एड ऑन का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है कि आपको टेक्सचर जैसे कि ग्लास पैनल वगैरह है ये सब ऑलरेडी इनबिल्ट मिलते हैं। अभी हम लोग टेक्सचर करेंगे जैसे कि वॉल्स वगैरह, तो देखिए वॉल्स तो बेसिकली एक फ्लैट कलर का ही रहेगा, फिर भी डिटेलिंग में अगर हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोजअप जूम इन पे जाए तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए टेक्सचरिंग और डिटेल में, इसीलिए हम लोग इधर पे नॉइस टेक्सचर से इसको एक्स्ट्रा लेवल ऑफ डिटेल थोड़ा सा प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद कुछ माइनर से डिटेल्स है जैसे कि यू नो ये रेन गार्ड्स है, जबकि बारिश का पानी टपकता है तब यू नो छत से पानी टपकते हुए सीधा नाले में जाता होगा, और उसके बाद ये वुडन प्लैंक्स है जहां पर कि यू नो खिली खिली धूप के दिन फैमिली बाहर आके इधर पे रेस्ट करता होगा जो हम कार्टून में देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये
सब थोड़े से माइनर डिटेल्स आपके रियलिज्म को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा हेल्प करते हैं और हम इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले हैं, तो ये सब भी हम ऐड कर रहे हैं। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। डिफॉल्ट क्यूब को लेने के बाद हम लोगों को कुछ भी नहीं, बेसिकली एक रफ स्ट्रक्चर जैसे पिलर में बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, एरे मॉडिफायर, और एरे मॉडिफायर को एक के बाद एक लगाने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा दीवार, और उस दीवार को बाद में कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद हमारा घर का जो चार दीवारी वाला बाउंड्री है वो हमारा रिक्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा मॉडिफायर्स को यूज करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। दिस इज अ वेरी गुड चॉइस, क्योंकि देखिए गाइस, जिंदगी को आसान बनाने के लिए मॉडिफायर्स और गाड़ी को आसान बनाने के लिए एक क्रूज कंट्रोलर बहुत जरूरी होता है, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। चल बोल, क्या समझ में आया तेरे को? मैं तो पागल हूँ, इधर आके बैठ गया, मैं पागल हूँ मैं। ऑल्सो सब्सक्राइब टू श्रेयावती करी, नीचे चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब तो खुश है? हाँ, मैं तो ब्लॉग बनाने के लिए इधर बैठा हूँ। और उसके बाद जब एक बार अपना बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, जब अपना बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, तब क्या करना है हमको? कुछ भी नहीं, जो बिल्डिंग हमने बनाया था उसी को कॉपी पेस्ट करके एक के बाद एक फॉर्मेशन में रख देंगे, और सर के जो रोड्स है उसको भी पैरेलली ऐसे बिठा देंगे ताकि एक एरिया, एक मॉल, एक सोसाइटी जैसा फील आए। थोड़े बहुत डेकोरेटिव सामान जैसे कि आप लोग इधर पे देख सकते हैं कि मैंने डोरेमोन का एक फोटो उसको फ्रेम में कन्वर्ट किया ग्लास शेडर वगैरह लगा के, और कुछ बैम्बू कॉप्टर्स मैंने मॉडल किए हैं। इनको एक के बाद एक लगाने के बाद हमारा जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है, जो स्टोरी हम क्रिएट करना चाहते हैं बेसिकली, उसका एक प्रीमाइस कंप्लीट हो जाता है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना वेजिटेशन के आपका सीन कभी लाइव जिंदा लग ही नहीं सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे घास फूस ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में देखते देखते हैबिचुएटेड है। तो चलिए जल्दी जल्दी ये सब ऐड कर लेते हैं। और हाँ, ये जो पेड़ है, ये जो ट्रीज है, बेसिकली मैं इसको बाय हैंड एनिमेट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ऐसा है कि जस्ट बारिश के बाद का ये सीन है और हवाएं चल रही है, तो जो पत्तियां है इसको भी डिस्प्लेस मॉडिफायर के साथ मेरे को एनिमेट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो सेंस ऑफ एयर है, जो हवा में पत्तियां लहराती है, वो आप लोगों को अच्छे से फील नहीं होएगा। मुझे चाहिए यहाँ पर 100% फोटो रियलिस्टिक रेंडर, जहां पर रियलिटी और सीजी के बीच में आप लोग फर्क ही ना कर पाओ। और उसके बाद आता है हमारा जो रियल वर्ल्ड में कुछ भी सही नहीं रहता है भाई, गंदगी हर जगह पे है, तो ट्रैश कैंस, गार्बेज बैग्स, ये सब भी कुछ सेल मेगा स्कैन से डाउनलोड कर लेते हैं, और एक के बाद एक लगाने के बाद हमारा फोटो रियलिस्टिक रेंडर कंप्लीट है। उसके बाद क्या हुआ आपको रूम में दिखाते हैं, चलो पिकअप। और उसके बाद इतना अच्छा रेंडर निकलने के बाद एक्चुअली क्या हुआ गाइस, आप लोग देख ही रहे हो कि लगातार कुछ दिनों से शूटिंग के चलते मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड और थोड़ा सा कंफ्यूज था, और मैं शेखर से भी नहीं पूछ सकता था क्योंकि एट द सेम टाइम वो भी मेरे साथ प्रेजेंट था, तो उसका भी हालत सेम ही है ना। और आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि हर एक सक्सेसफुल आदमी, या फिर बोल सकते हो कि हर एक टैलेंटेड बंदे के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। तो जब भी कभी मैं ऐसे सिचुएशन में फंसता हूँ तो मैं हमेशा कॉल करता हूँ अपने प्यारे से मीठे मीठे गर्लफ्रेंड को। चलिए उसको फोन करके सुन लेते हैं कि आखिरकार उसका क्या राय है एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके मीठी मीठी बातें सुन लूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हेलो। हाँ बोल रे कुत्ते। अरे सुनो ना। बोल। मैंने तुमको वो वीडियो भेजा था ना, वो डोरेमोन का, जिसमें मैंने नोबिता का घर बनाया था, याद है? हाँ। अच्छा तुमसे ना एक सजेशन लेना था। अच्छा मान के चलो अगर मैं खुद नोबिता बनके मतलब उस वीडियो में चला गया, मतलब ग्रीन स्क्रीन में शूट करके मेयर शेखर उधर पे जाए, मतलब कैसा लगेगा बोलो ना? थोड़ा हैंडसम वैंडसम दूंगा कि नहीं, कैसा लगेगा तुम जरा बताओ ना, तुम्हारा सजेशन चाहिए। नहीं मतलब सीरियसली, तूने इतनी रात को मुझे ये बताने के लिए फोन किया था? इतना गंदा आइडिया लेके आ कहाँ से जाता है तू? प्लीज अपना वो सरा हुआ मुंह लेके इस वीडियो में घुस मत जाना, नहीं तो पूरा कचरा हो जाएगा। ट्रस्ट मी, अपना वो सरा हुआ थोबड़ा लेके घुस मत जाना वीडियो में, वो वीडियो जैसा है उसको वैसा ही रहने दे, ठीक है? तुम बोल दियो तो ठीक ही होगा, बस तुम्हारी यही मीठी मीठी बातें मुझे तुमसे जुदा नहीं होने देती। फोन रख मेरा, इतनी रात को तूने मुझे मेरा सर खाने के लिए फोन किया था ना, फोन रख। तो भी गुस्सा क्यों होता, सुनो ना, हेलो है, फोन रख। और जब एक बार उसने बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद सोचना क्या, अपन पूरा क्लियर हो गया, ठीक है? और उसके बाद थोड़े से कंपोजिटिंग का हम लोगों को कमी था, तो थोड़े से कंपोजिटिंग जैसे कि ब्रिज बाईपास, मल्टीपास कंपोजिटिंग, और थोड़े से लाइट कलर ग्रेडिंग के साथ, ज्यादा नहीं, थोड़े से लाइट कलर ग्रेडिंग के बाद नाउ यू मे एंजॉय आवर ऑल चाइल्डहुड मेमोरीज गाइस, एंजॉय द फाइनल रिवील।
बीत चुके हैं लम्हे, बीत चुके हैं कल, और बीत चुका है हमारा नादानी भरा बचपन भी। याद है जब दो किरदारों के बीच उनके जादुई दुनिया में अपने आप को जैसे खो ही देते। मानो ये अगर हकीकत होता तो दुनिया कितनी मीठी ना होती। बीत चुका है मेरा बचपन, बीत चुका है मेरे नादानी भरे ख्वाब भी, लेकिन आज भी यादों के हवाओं में कुछ लम्हे जैसे उस सूखी पत्ती की तरह हो, जो ना तो कभी घर लौट पाई और ना ही अपने को मिटा पाई। क्यों आना मजा? आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा वाला जो एपिसोड है वो भी नोबिता के इंटीरियर वाला रूम और अपना जो डोरेमोन का आइकॉनिक प्लेग्राउंड है तीन पाइप वाला उसके ऊपर बनाओ। तो उसके ऊपर आप लोगों का क्या सुझाव है नीचे प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए था इतना ही गाइस, मिलता हूं आप लोगों से किसी दूसरे एक्साइटिंग और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओवर एंड नहीं साइयो ना रहा जग में कहीं मर गया मादल चोर।